आज हम पढ़ रहे हैं क्लास फर्स्ट इंग्लिश ग्रामर का लेसन नंबर 6 और आपका लेसन नंबर 6 है ए एन, ए और एन। ठीक है, ए और एन का मतलब होता है एक ही होता है। ठीक है, आपने प्रीवियस लेसन में पढ़ा है। ठीक है, वॉवल कंसोनेंट के बारे में आपने पढ़ा है कि आपने कहाँ पे वॉवल होगा तो आपने एन का यूज करना है, कंसोनेंट होगा तो आपने ए का यूज करना है। तो आपने पढ़ा है हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज में 26 लेटर्स होते हैं, अल्फाबेट्स जो हमारे होते हैं उनमें हमारे 5 होते हैं वॉवल और हमारे बाकी 21 जो हमारे पास बचते हैं वो होते हैं हमारे कॉन्सोनेंट। हमारे पास वॉवल होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 हमारे पास वॉवल्स होते हैं। और बाकी हमारे पास जो बचते हैं जैसे बी, सी, डी, एफ, जी, एच, ये बाकी हमारे जेड पे कॉन्सोनेंट होते हैं। 21 हमारे पास कॉन्सोनेंट एंड 5 वॉवल्स होते हैं। ठीक है, तो हम ए और एन का यूज कैसे करते हैं? ए का यूज हम कहाँ पे करते हैं? जो हमारे जो जो वर्ड है, ठीक है, बायोलॉजी वर्ड है बैट, बी ए टी, बैट कोई वर्ड। ठीक है, इसका फर्स्ट लेटर देखेंगे बी है, ये वॉवल है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है बी। ठीक है, वॉवल तो नहीं है, ए है, ए के बाद सीधे ई है, तो इट मीन्स वॉवल ये बी आपका कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट की साउंड जो देगा उससे पहले हम ए का यूज करते हैं। ठीक है, अ बैट, सेम आपका है आउ, ओ डब्ल्यू आउ, ओ फर्स्ट लेटर आपका वॉवल का साउंड दे रहा है, ओ है आपका वॉवल, तो इससे पहले आउ, एन आउ, एक उल्लू है तो एन आउ। ठीक है, ए और एन का मतलब एक ही होता है, एक सिंगल। ठीक है, एक चीज, लेकिन वॉवल के लिए अलग एन यूज करेंगे और कॉन्सोनेंट के लिए ए यूज करेंगे। ठीक है, आगे हम एक एक्सरसाइज देखेंगे, उससे आप लोगों को और ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी। आपकी एक्सरसाइज है पुट ए और एन बिफोर ईच, आपने हर एक के आगे आपने या तो ए लिखना है या आपने एन लिखना है। ठीक है, अब आप समझेंगे कहाँ पे आपका ए आएगा, कहाँ पे आपका एन आएगा। फर्स्ट है आपका मैन, ठीक है, एक आदमी है, ठीक है, एक आदमी है, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, आप मैन का एन मैन। ठीक है, मैन का फर्स्ट लेटर देखेंगे एम, ये क्या है आपका वॉवल की साउंड दे रहा है, कॉन्सोनेंट की, आपके कॉन्सोनेंट की साउंड दे रहा है, तो इससे हम लिखेंगे आप मैन। सेकेंड है आपका ओल्ड मैन, ठीक है, अब ओल्ड का फर्स्ट लेटर ओ, ये आपका वॉवल की साउंड ओ। ठीक है, मैंने आपको बताया था, देख लेती हूँ, ए ई आई ओ एंड यू, ये 5 आपके वॉवल होते हैं जिनके ये 5 वॉवल साउंड होती है आपकी ए ई आई ओ यू, जिनके पहले आपने एन का यूज करना होता है। ठीक है, तो ओल्ड मैन ओ आपका वॉवल की साउंड है, तो उससे पहले आपका आएगा एन ओल्ड मैन। 3 आपका गर्ल, गर्ल का फर्स्ट लेटर जी कॉन्सोनेंट के साउंड दे रहा है, अ गर्ल। 4 टॉल गर्ल, टी जो है आपका कॉन्सोनेंट के साउंड, अ टॉल गर्ल। नंबर 5 है आपका एप्पल, एन एप्पल आएगा क्योंकि एप्पल का फर्स्ट लेटर ए आपका वॉवल के साउंड दे रहा है, सो एन एप्पल। नंबर 6 है आपका रेड एप्पल, अब रेड एप्पल है, रेड फर्स्ट लेटर आर कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट अ रेड एप्पल। नंबर 7 है आपका लाइन, लाइन का फर्स्ट लेटर एल आपके कॉन्सोनेंट की साउंड दे रहा है, तो अ लाइन। नंबर 8 है आपका एंग्री लाइन, ठीक है, एंग्री का फर्स्ट लेटर ए वॉवल की साउंड दे रहा है, ए, तो ये आएगा एन एंग्री लाइन। नंबर 9 है आपका इंजन, इंजन का फर्स्ट लेटर आप ई देख सकते हैं, ई आपका वॉवल की साउंड देता है, तो एन इंजन होगा। और नंबर 10 है आपका रेड इंजन है, रेड का फर्स्ट लेटर आर आपका कॉन्सोनेंट की साउंड देता है, तो ये लिखेंगे आर रेड इंजन। ठीक है, इतना हो गया है। नंबर 11 देखेंगे, 11 है आपका अंकल, अंकल का फर्स्ट लेटर यू आपके कॉन्सोनेंट की साउंड देता है, तो एन अंकल। नंबर 12 है आपका काइंड अंकल, ठीक है, काइंड है, के आपका वॉवल कॉन्सोनेंट की साउंड देता है, तो अ काइंड अंकल। नंबर 13 है आपका एक्टर, एक्टर का फर्स्ट लेटर ए आपका वॉवल की साउंड दे रहा है, तो एन एक्टर। नंबर 14 गुड एक्टर, तो गुड का फर्स्ट लेटर जी आपका कॉन्सोनेंट की साउंड देता है, तो अ गुड एक्टर। नंबर 15 है आपका बॉक्स, बॉक्स का फर्स्ट लेटर डी आपका कॉन्सोनेंट की साउंड देता है, तो अ बॉक्स। नंबर 16 आयरन बॉक्स, आयरन का फर्स्ट लेटर आई आपका वॉवल की साउंड दे रहा है, तो आपने लिखना है एन आयरन बॉक्स। नंबर 17 आपका सम, एस यू एम सम, सम का फर्स्ट लेटर एस आपका कॉन्सोनेंट की साउंड दे रहा है, तो अ सम। नंबर 18 इजी सम, ठीक है, इजी का फर्स्ट लेटर ई आपका वॉवल की साउंड दे रहा है, तो एन इजी सम। नंबर 19 है आपका एनिमल, एनिमल का फर्स्ट लेटर ए है, ए आपका वॉवल की साउंड देता है, तो एन एनिमल। नंबर 20 है आपका वाइल्ड एनिमल, वाइल्ड का फर्स्ट लेटर डब्ल्यू आपका कॉन्सोनेंट की साउंड देता है, तो
अ वाइल्ड एनिमल। यहाँ पे आपका ओवर होता है लेसन, ठीक है। ये एक्सरसाइज आपने अपनी नोटबुक में करनी है, आपने बुक में भी फिल करना है, उसके बाद आपने इसको प्रैक्टिस करना है, 2-3-4 जितनी बार प्रैक्टिस कर सकते हैं, इससे आपको और वोवल कंसोनेंट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ये आपने जरूर प्रैक्टिस करना है, यहाँ पे आपका लेसन ओवर होता है। थैंक यू।